दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं HDFC के बारे में। फाइनली HDFC ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले हम आपके साथ रिजल्ट को कवर कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंपनी ने यहां पर डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है। तो कितने रुपए का डिविडेंड यहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है? 44 रुपीज पर शेयर का, यानी कि 44 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहां पर कंपनी देने जा रही है। बहुत ही शानदार डिविडेंड यहां पर कंपनी देने जा रही है और डिविडेंड की पेमेंट डेट भी यहां पर कंपनी ने डिक्लेयर करी है 1 जून 2023। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। सारी फिगर्स यहां पर रुपीज इन करोड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। HDFC ने जो टोटल इनकम क्वार्टर फोर के अंदर जनरेट करी है, सबसे पहले उसकी तरफ नजर मार लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 44,653 करोड़, यानी कि 44,653 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी ने क्वार्टर फोर के अंदर जनरेट करी है। चूंकि लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में अगर आप देखेंगे तो 35,059 करोड़ रुपए की थी और क्वार्टर थ्री में 40,223 करोड़ रुपए की थी। यानी कि HDFC के क्वार्टर फोर के इनकम में हमें बहुत ही शानदार जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। अब हम अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने क्वार्टर फोर के अंदर 38,328 करोड़ रुपए के डिक्लेयर किए हैं, जो कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 29,451 करोड़ के थे और क्वार्टर थ्री में 36,210 करोड़ रुपए के थे। यानी कि ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वहां पर कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाया है। HDFC ने क्वार्टर फोर के अंदर 8,004 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में 6,892 करोड़ रुपए का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो क्वार्टर थ्री में भी कंपनी का प्रॉफिट 7,077 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। तो रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं और इसके चलते कंपनी के EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो यदि आपने HDFC के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और जो बहुत ही शानदार डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं।